हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास एक वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है फ्रेंड्स। इसमें हमारा चार्जिंग प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, जो कि चार्जिंग पिन है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम सेम पिन बदलेंगे फ्रेंड्स। तो इसका जो इसका मदरबोर्ड का जो प्रिंट होता है फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत पतला सा होता है, उसके कारण से वो फिर से निकलने का संभावना रहता है फ्रेंड्स। यानी तुरंत तुरंत निकल जाता है तो वो चलता नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये इमरजेंसी वाला पिन लगाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम यहाँ पर किस तरह सेट करेंगे, तो इसको सेट करने के लिए हम यहाँ पर फटाफट इसको खोल लेते हैं। तो इसको हम बारीकी यहाँ से समझाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। वीडियो को स्पीड फास्ट कर रखा है ताकि आप इस वीडियो में बोर ना हो। तो देखिए, हम यहाँ पर खोल चुके हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम ऊपर वाला ढक्कन को हटा लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पीसीबी है मदरबोर्ड, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार लगा हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर पिन जो है हम यहाँ पे दो बार इसको लगा चुके थे। तो इसका जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर उतना अच्छा नहीं हो रहा था, यहाँ की चल नहीं रहा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगाए हैं फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पर हम ये वाला पिन लगा के आपको दिखाएंगे, और यहाँ पे ये वाला पिन सक्सेस रहेगा फ्रेंड्स, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे ये वाला पिन बहुत ही दिन तक चलने वाला है। तो यहाँ पे हॉल कर लेंगे अपना आयरन की मदद से, और यहाँ पे हम लगा देते हैं इसको। और यहाँ पे इसका जो कनेक्शन होता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें भी दो लेग हैं। तो इसका जो बड़ा वाला लेग होता है वो प्लस वाला होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे प्लस मैंने इसका दो वायर लगा देते हैं, सोल्डिंग कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आपको पीसीबी लेना है, और पीसीबी में आपको दिख जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो प्लस पॉइंट होता है फ्रेंड्स वो वाला आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और माइनस पॉइंट जो है फ्रेंड्स, उसको यहाँ पे कहीं भी ग्राउंड में लगा देना है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे ग्राउंड को लगा लेते हैं एक बार, और प्लस को भी लगा लेंगे। उसके बाद हम आपको फाइनल एक बार दिखा देते हैं। प्लस पॉइंट का जो ट्रैक है फ्रेंड्स, यहाँ से ही गुजरता है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट पर हम यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए हैं, और माइनस पॉइंट को भी सोल्डिंग कर दिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हम एक बार चार्ज लगा के दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेटर शो हो गया, आप देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आएगा फ्रेंड्स। आप अपने घर बैठे इसको इस तरह का रिपेयरिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो इसका चार्जिंग पिन है इमरजेंसी वाला, वो आपको 5 से 10 रुपए में मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा वायर लेना है और कुछ इस प्रकार का सोल्डरिंग कर देना है। आपका यहाँ पर ख़राब ब्लूटूथ यानी चार्जिंग प्रॉब्लम बन सकता है, अपना घर में आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो हमारा आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का फिनिशिंग हो गया है। 5 से 10 रुपए के खर्च में अपना ब्लूटूथ स्पीकर को आप घर बैठे रिपेयरिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।